आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके हकों के लिए आज पूरे हरियाणा में हर जिले के ऊपर जो उनके बड़े जिले के चौक चौराहे हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी हर जिले में हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले 9.5 सालों से जो बीजेपी की ये खट्टर सरकार है वो नींद में सोई हुई है। आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर देखा जाए तो हरियाणा में आज 25 लाख युवा हैं जो बेरोजगार हैं और यहाँ की खट्टर सरकार उनको हरियाणा में रोजगार देने की बजाय इसराइल भेजने की बात करती है। वहाँ पर सबको पता है कि जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, कोई पता नहीं कब आगे गोली किसी को लगे। पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने में लगे हुए हैं और हमारी यहाँ की बीजेपी सरकार हमारे युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रही है। अगर आप यहाँ पर रहकर उनको रोजगार नहीं दे सकते सत्ता में, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आप अपने पद से इस्तीफा दे दो अगर नहीं आपको सरकार संभालनी आती। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में 2 लाख के करीब जो स्वीकृत पद खाली पड़े हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अगर आप उनको भरने का काम क्यों नहीं करते। अगर हम देखा जाए तो कोई भर्ती निकलती है, उस भर्ती को निकलते ही वो पेपर लीक हो जाता है और फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाते ही वो मामला फिर लंबित तो हो जाता है और ये बस यही खेल बार बार हो रहा है। और 30 के करीब पेपर जो हैं वो हरियाणा में जितने भी इस बार हुए हैं वो लीक हो चुके हैं। लेकिन कोई भी जो विपक्षी पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भी सीएम आवास का घेराव किया था। वहां पर खट्टर ने अपनी पुलिस को आगे करके आप पीछे छिप गए और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां भांजी। ये हमें चोटें भी आई, जब हम बैरीगेट्स के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने हमारे हाथों के ऊपर डंडे मारे जिस तरह से हम कोई क्रिमिनल हों। तो ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे हम। हरियाणा के जितने वासी हैं अपने युवाओं के हकों के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम हर एक कुर्बानी देने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू साथी तैयार हैं। लेकिन हरियाणा के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हरियाणा में करनी होगी। अगर नहीं कर सकते तो आपको सत्ता से जाना होगा। 2024 में सारे लोग देख रहे हैं, जैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पहली कलम से जितने पद भर्तियां खाली पड़े पद हैं उनको पहली कलम से भरा जाएगा और हरियाणा के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और उनको हरियाणा में ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। क्या रणनीति रहेगी सर आगे आपकी? आगे हम जिस तरह से पहले लड़ाई सड़कों के ऊपर हम लड़ रहे हैं। हमें यहाँ पर अगर कोर्ट में जाना पड़े किसी भी मुद्दे को लेकर युवाओं के लिए, तो किसी भी हद तक हम जाने के लिए जो हमारी हाईकमान हमें आदेश देगी उसके ऊपर हम हर एक आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरे हरियाणा में तैयार हैं। ताकि 2024 में जो लोग हैं वो इनकी वास्तविकता जान लें। जो बीजेपी के लोग हैं इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर वो देना चाहें तो रोजगार युवाओं को हरियाणा में दे सकते हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं, इनकी नीयत खराब है। अगर ये हमारे युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो 2024 में जो हरियाणा के लोग हैं इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए रोजगार की, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की, पंजाब में मान साहब की सरकार ने जिस तरह से 20 महीनों में 42,000 रोजगार युवाओं को दिया है, उसी तर्ज पर ही हरियाणा में भी नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और हरियाणा के लोग हैं जो अब वो विकल्प के तौर पे सिर्फ आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में हरियाणा में बनेगी। हरियाणा का जिसको एड्रेस नहीं किया गया पिछले 9 सालों में, जिसके बारे में सोचा नहीं गया, सोचने की उनके पास फुर्सत नहीं है। जो सरकार है मौके की, उन्होंने केवल हरियाणा के लोगों को कैसे लूटा जाए इसके बारे में सोचने का अपना पूरा पूरा मिशन बना रखा है और उस पर वो चल रहे हैं। जिस तरह से ये सरकार बनी थी, जो विरोधी पार्टियां जो चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़के पहुंची थी, उन्होंने बाद में जिस तरह से गठबंधन किया उसी से नज़र आता था कि कितने स्वार्थी लोग हैं ये। एक तो कहता था यमुना पार कर देंगे भाजपा को, दूसरे कहते थे हम 76 पार हो जाएंगे, और दोनों ने लोगों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगा और मिलकर सरकार बनाई। उस दिन से इनका नापाक जो गठजोड़ है वो चल रहा है, हरियाणा के लोगों के हितों का कुठाराघात लगातार वो कर रहा है और उसी का ये परिणाम है कि 9 सालों में स्वीकृत जो पद हैं, जो सरकार मानती है कि खाली पड़े हैं, 2,09,300 पद हैं, उस पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही कोई इस तरह की बात आती है। बीच बीच में ये शगुफा चला देते हैं, 50,000 नौकरियाँ दे देंगे, 60,000 नौकरियाँ दे देंगे, लेकिन कोई 1,000 का भी आंकड़ा हमें बता दे तो हम मान जाएंगे। नौकरी नहीं देते हैं, पेपर करवाते हैं, लीक हो जाते हैं, लीक होने के बाद कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद फिर वो नौकरी नहीं मिलती। ये लगातार एक ही चीज़ बार बार क्यों हो रही है? इसका मतलब कोई ना कोई दाल में काला तो है। लेकिन ये जो प्रोपोगंडा करने की इनको मास्टरी हासिल थी, 9 सालों में वो काट की हांडी भी बार बार चढ़ चुकी और नौजवान समझ चुका, सड़क पर आ चुका है। जहाँ भी मुद्दा उसको मौका मिलता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, आम लोग हों,
इतने परेशान हैं, वो सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। लेकिन लोगों को साफ पता है कि अब उन्होंने देखना वो बटन है जिससे इस जो नापाक गठबंधन की सरकार है इसको चलता किया जाए। 2024 का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में लोग इतने गुस्से में मतदान करेंगे कि दोबारा जो यमुना पार और वो जो बातें कहते दिन पर अपने आप लागू हो जाएंगे, लोग करेंगे। इनका काम नहीं है, बस का काम नहीं है, लोग इनको हटा देंगे और आम लोगों की जब सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको पता नहीं है आम लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये महलों में रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनको सिंचाई धरातल की नहीं पता, धरातल की सिंचाई इनको पता है, ये जो आज सड़क पर खड़े हैं। और यही मसलों का हल करेंगे जिस दिन सरकार बनती है हरियाणा में। हम पहला, सबसे पहला ये काम करेंगे, जितने खाली पद पड़े हैं वो भरेंगे और भी बहुत सारे मौके निकल सकते हैं। अगर पंजाब में, दिल्ली में नौकरियां दी जा सकती हैं, यहाँ क्यों नहीं दी जा सकती? सरकार वहाँ भी है, सरकार दिल्ली में भी है, सरकार यहाँ भी है। इनकी नीयत खराब है, इनको केवल और कामों से फुर्सत नहीं मिली है। हमारी सरकार आने दो, आम लोगों की सरकार आने दो, ये सारे मसले हल होंगे। 2024 इनके लिए आखिरी दिन होगा जिससे ये चुनाव करवाएंगे। तो आज हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो हरियाणा सरकार में बढ़ती बेरोजगारी है उसके दम के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। आज हरियाणा में 35% से ज़्यादा बेरोजगारी है जो पूरे इंडिया में नंबर एक पे है। जो हरियाणा कभी अपनी काबिलियत के दम पे, जो अपने युवाओं की ऊर्जा के दम पे, खेलों के दम पे आगे हुआ करता था, वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर वन पे है। तो इसलिए ये हमारे लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता देंगे, जबकि आज अगर आप रिजल्ट उठा के देख लो तो उसमें, चाहे वो सरकारी नौकरी है, उसमें दूसरे राज्यों से आए हुए को जो नौकरी है उनकी अधिकता है। क्योंकि जो हर लगभग हर राज्य में सरकारी करती है, चाहे वो MP हो चाहे UP हो, वो अपने युवाओं को प्राथमिकता देती है, लेकिन हरियाणा सरकार में ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है। ऊपर से हरियाणा सरकार ने रोजगार देने के स्थान पे युवाओं को इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार को चाहिए कि उनको रोजगार दे। अभी जो खेलों की लिस्ट भी आई है तो उसमें है कि हरियाणा पहले के मुकाबले खेलों में उनका गिरता हुआ स्तर दिखाई दे रहा है। तो ये दिखा रहा है जिस प्रकार से हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, जो सोचनी है कि उन्होंने जो इतना प्रदर्शन किया उसके बावजूद कोई हल नहीं हो रहा, ना वो नीति और ना वो बोर्ड, उसमें कोई सुधार हो रहा है। और उसके साथ साथ ये देखो कि रोजाना फिरौती की, लूटपाट की, हत्याओं की घटना बढ़ रही है। तो सरकार कहाँ पे है और सरकार रोजगार कहाँ पे दे रही है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहाँ पे है? सरकार नित नए दावे करती है, सरकार 75 पार या 400 पार के दावे करती है, लेकिन असलियत में धरातल पे काम कहाँ है, लोगों के पास रोजगार कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है? देखिए, जो पिछले दिन ही करनाल के अंदर बेरोजगार युवा जो हमारे घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलवाने के लिए हमारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर हमारे क्रांतिकार साथियों द्वारा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव किया जाना था, तो मुख्यमंत्री जी तो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से निकल के पुलिस आगे लगा करके हमारे क्रांतिकारी साथियों पर लाठीचार्ज किया गया। हम रोजगार मांग रहे हैं, ऊपर से हमारे पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की जनता को लहूलुहान किया गया करनाल के अंदर। उसी के विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे इस तरह के प्रदर्शन रखे गए, जिसमें आज सिरसा के अंदर भी देखिए, जो भी हमें केजरीवाल जी, हमारी आम आदमी पार्टी जो भी हमें निर्देश देगी हम उस पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। बड़ा आंदोलन किया जाएगा? देखिए, जो मैंने आपको बता दिया, जो हमारा हाईकमांड है जो भी हमें निर्देश करेगा, चाहे बड़ा आंदोलन करने की बात हो, कुछ भी करने की बात हो, हम अपनी पार्टी के लिए मर मिटेंगे। सरकार की नाकामियों के खिलाफ, सरकार ने जो है रोजगार देने का वायदा किया था, ना तो केंद्र में सरकार रोजगार दे रही है और ना ही प्रदेश के अंदर दे रही है। आज प्रदेश और केंद्र के अंदर दोनों जगह इस जो डबल इंजन की सरकार है, इसने इतना मुहाल कर दिया लोगों को, युवा जो है वो आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये कहती है कि हम लोग, सरकार कहती है कि हम लड़कों को इजराइल भेजेंगे मजदूर बनाकर। इनसे कोई पूछने वाला हो बेशरम सरकार से कि आप इनको इजराइल भेज रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी पहले युद्ध चल रहे हैं, वहाँ जाके हमारे युवा क्या करेंगे? जो यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, अगर सरकार ये ना चाहती तो ये आने वाले टाइम में लोग सड़कों पे उतरेंगे, ये जो प्रोटेस्ट है ये और बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चेताने के लिए आज आम आदमी पार्टी के ये सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हर चौकों के अंदर इकट्ठे हुए हैं और हर जिले के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। अपनी पार्टी और पहले कहाँ के दूसरे आम आदमी पार्टी शुरू से ही आंदोलन करती आई है। आम आदमी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही है, शिक्षा के हक में आवाज़ें उठाती रही है,
आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य के हक में आवाज़ें उठाती रही है। आप सब मीडिया के लोगों ने भी ये पहले देखा है, हम लोगों ने यहाँ बहुत बार प्रदर्शन किया कि हरियाणा के अंदर शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा, स्वास्थ्य का सुधार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है, मगर सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी।